जो एयरपोर्ट बाधित एक एक दो दो महीना लोग सिडको के सामने बैठे थे, कभी रामसेठ या गणेश नाइक साहब जाके उनको मिलाए, उनकी समस्या क्या सुनिए, समस्या उनकी छुड़ाइए, कभी नहीं है सर। तब इनको कभी प्रकरण से आज भी प्यार नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, और पहले भी प्यार नहीं था, ये खाली इनकी राजनीति चल रही। गणेश नाइक को पवार साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ कि कौन सा विकास करने के लिए बीजेपी में गए? इनको तो 10 साल मिनिस्ट्री भी पवार साहब ने दी, खासदार की संजीव नाइक को दी, आमदार की संदीप नाइक को दी, सागर नाइक महापौर था, तब आप विकास क्यों नहीं किया? पवार साहब को जिसने जिसने दुख दिया है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और इसके लिए मुझे यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाना है, 100% महाविकास आघाड़ी यहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है। मेरा एक ही एजेंडा है, जो पवार साहब का झंडा, राष्ट्रवादी का झंडा मैं कंधे पे लिया है, वो झंडा मुझे नीचे नहीं रखना है। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और नई मुंबई राष्ट्रवादी के निरीक्षक प्रशांत पाटिल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह का माहौल चल रहा है, सवाल की मैं शुरुआत वहीं से आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम देने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर जो अलग रवैया रखती है कि उस पर बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाना चाहिए, राष्ट्रवादी का क्या रुख है? आपको क्या लगता है कि किसका नाम इस पर दिया जाना चाहिए? सर, मैं एक पहली बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक भूमि पुत्र हूँ, आगरी हूँ और सिडको प्रकलर वसो। शुरू में दीबा पाटिल का नाम देना चाहिए, इसकी सबकी मांग थी यहाँ पे। इस बीच में सिडको ने, संचालक मंडल ने प्रस्ताव मंजूर किया और बाला साहब ठाकरे साहब का नाम देने का उन्होंने प्रस्ताव मंजूर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज दिया। उसके बाद में यहाँ पे राजनीति का दौर शुरू, और भूमि पुत्र का नाम लेके यहाँ पे बीजेपी ने पूरा राजकारण यहाँ पे हाईजैक करके लिया, और उस राजनीति में रामसेठ ठाकुर का बड़ा रोल है, बाद में प्रशांत ठाकुर रहेंगे और ये महेश बाल्दी है, जिनको कभी रामसेठ ठाकुर को दीबा पाटिल साहब से कभी प्यार ही नहीं था, ये हकीकत है। जो एयरपोर्ट बाधित एक एक दो दो महीना लोग सिडको के सामने बैठे थे, कभी रामसेठ या कोई लीडर जाके या गणेश नाइक साहब जाके या प्रशांत ठाकुर चेयरमैन तक कभी जाके उनको मिलाए, उनकी समस्या क्या सुनिए, समस्या उनकी छुड़ाइए, कभी नहीं है सर। तब इनको कभी प्रकरण से आज भी प्यार नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, और पहले भी प्यार नहीं था, एक खाली इनकी राजनीति चल रही। कुछ तो अपने पास बीजेपी का एक एजेंडा चाहिए, और वो एजेंडा दीबा पाटिल के नाम से अपने पास अभी है कि इस कोविड परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा काम ये महाराष्ट्र में किया है, और एक अच्छी छवि महाविकास आघाड़ी के में महाराष्ट्र में नवी मुंबई में पूरी बनी है। तो इस दौरान वो छवि को ना दुरुस्त करने के लिए उन्होंने दीबा पाटिल का ये एजेंडा लेके अभी वो उन्होंने एयरपोर्ट को नाम देना चाहिए हाईजैक करके, प्रकल्प रस्ता के कंधे पे बंदूक रखे बीजेपी का राजकरण यहाँ पे शुरू हो गया। मेरा कहना एक ही है कि जब आपके हाथ में था, आप सिडको के तत्कालीन चेयरमैन प्रशांत ठाकुर थे, रामसेठ ठाकुर खासदार भी रह चुके हैं, उनके हाथ में होते उन्होंने कभी ये नाम दिया नहीं। प्रशांत ठाकुर पहले भी एमएलए थे, आज भी एमएलए विधायक है, सिडको के चेयरमैन होते हुए यहाँ के जो 46 प्रकल्प से गांव संगठन है उन्होंने लेटर दिया था कि दीबा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट को दे दो करके। फिर जो एयरपोर्ट बाधित 10 गाँव है उन्होंने भी मांग की थी का दीबा पाटिल साहब का नाम दे दो, तब ये आमदार भी थे और चेयरमैन भी थे। हकीकत है ऐसे बहुत मीटिंग चेयरमैन के टाइम पे इन्होंने डायरेक्टर बोर्ड की ली, तब इनको कभी दीबा पाटिल का नाम सोचा नहीं कि उनका प्रस्ताव पारित करना चाहिए। जब 5वीं पुण्यतिथि दीबा पाटिल साहब की थी उस दिन भी प्रकल्पग्रस्त ने उनको लेटर दिया कि दीबा पाटिल साहब का नाम दे दो। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जब आपके हाथ में था आपने नाम दिया नहीं, रामसेठ ठाकुर के हाथ में था तभी नाम दिया नहीं, यहाँ की जब नरेंद्र मोदी साहब जो देश के माननीय पंतप्रधान है उन्होंने एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, वो भूमि पूजन के टाइम पे मोदी साहब आए थे, वही स्टेज पे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, प्रशांत ठाकुर साहब थे और लोग थे, तब नरेंद्र मोदी साहब ने प्रशांत ठाकुर के कंधे पे हाथ डाला, वो वीडियो क्लिप पूरा वायरल किया,
तब भी आप मोदी साहब को बोलते कि इसका नाम दिबा पटेल साहब देना चाहिए एयरपोर्ट को, आप जाहिर करो करके, तभी उन्होंने नाम दिया नहीं। फिर बाद में इनका राजनीति शुरू हुआ, अभी मुंबई, थाना, नई मुंबई, पनवेल, बाद में रायगढ़ जिला परिषद, उरण नगर पालिका, ये इलेक्शन है, इलेक्शन सामने नजर रख के उन्होंने ये एजेंडा उन्होंने अभी शुरू किया है। हकीकत में हमारा दिबा पटेल साहब को कभी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है। आज महाविकास आघाड़ी का सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब है, लेकिन उद्धव साहब के पिताजी करके उनका नाम नहीं दे रहे हो। एक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उनकी पूरी महाराष्ट्र नहीं तो देश जानता है, और वो इंटरनेशनल लीडर थे। इसके लिए उनका पारित करके कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब जो है, जो मंत्री है, और डिप्यूटी सीएम जो अजीत दादा पवार साहब, उसका वो कैबिनेट में डिसीजन लेंगे, वो लेने के बाद वो जाएगा दिल्ली में। और इसका पूरा राइट्स नाम देने का एयरपोर्ट का है, केंद्र सरकार का है। अभी इनका तो केंद्र सरकार में बहुत वजन है, रामशेठ का वजन है, प्रशांत ठाकुर का है, महेश बाल्दी का है, यहाँ पे अभी विधायक जो गणेश नाईक है, मंदा मात्रे है, वहां पे रवि शेठ है, रमेश पाटिल है, अभी छह छह विधायक है बीजेपी के। महाराष्ट्र में 18-20 एमपी है उनके, दिल्ली में नितिन गडकरी साहब का बड़ा नेता बन, तो उधर केंद्र से इधर इधर लोगों को रस्ते पे लाने से अच्छा केंद्र सरकार के हाथ में आप दिल्ली में जाइए और दिल्ली में बैठ के दिबा पाटिल साहब का नाम लाइए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये जो पूरी तरह से जो इसका दारोमदार है नाम रखने का, फाइनलाइज करने का, वो केंद्रीय सरकार का है और निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपने कहा कि सर ये नई मुंबई और जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर चुनाव को देखते हुए एक तरह की राजनीति हो रही है, क्या वाकई बीजेपी अब दिबा पाटिल के नाम को लेकर चुनावी राजनीति कर रही है? 100% सही है। दिबा पाटिल का नाम लेके इन्होंने आज तक हजारों काम कॉन्ट्रैक्ट लिए, दिबा पाटिल के नाम से ही बड़े हो गए, आज दिबा पाटिल के नाम से इन्होंने इलेक्शन जीता है। आज ही आज का जो सामने का इलेक्शन देखे दिबा पाटिल का नाम यहाँ पे यूज करके अभी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक तो एक ठाकुर कंपनी है, एक कभी एक पक्ष के साथ नहीं रही है। शुरू में उन्होंने शेखा पक्ष के साथ काम किया, शेखा पक्ष में बड़े हो गए, फिर उन्होंने कहा शेखा पक्ष लिमिटेड पक्ष है, बड़ा पक्ष है, उनको प्रशांत ठाकुर का आमदार करना था, फिर शेतकरी कामगार पक्ष छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए, फिर इनके अच्छे से राहुल गांधी के साथ ताल्लुकात हो गए, विलासराव देशमुख के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, पृथ्वीराज चव्हाण के साथ हो गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा मायना किया, सर्वे किया कि कांग्रेस में जाने के लिए वापिस कांग्रेस से प्रशांत ठाकुर चुन के आ सकते कि नहीं आ सकते, फिर उन्होंने सोचा कि अभी प्रशांत ठाकुर कांग्रेस से नहीं आ सकते, फिर उन्होंने टोल नाके का मुद्दा उठाया, खारगर टोल नाके का मुद्दा उठाया, खारगर टोल नाका सबको माफ कर दो, आप खारगर टोल नाके का मुद्दा लेके लड़ते हो झगड़ते हो, लेकिन आपका खुद का जो कर्नाटक का टोल नाका है, चिरला का टोल नाका रामशेठ ठाकुर का है, उधर तो वसूली जोर थी, लोगों से ले रहे थे, लोग प्रकल्पग्रस्त थे वहां के लोकल, यहाँ पे जो एयरपोर्ट बाधित एक एक दो दो महीना लोग सिड़कों के सामने बैठे थे, कभी रामशेठ या कोई लीडर जाके या गणेश नाईक साहब जाके या प्रशांत ठाकुर चेयरमैन तक कभी जाके उनको मिलाए, उनकी समस्या क्या है सुनिए, समस्या उनकी छुड़ाइए, कभी नहीं है सर। तब इनको कभी प्रकल्प से आज भी प्यार नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, और पहले भी प्यार नहीं था, एक खाली इनकी राजनीति चालू है। फिर इधर खारगर का टोल नाका बंद नहीं किया, इसके लिए कांग्रेस छोड़ के ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए, अभी क्या करेंगे, समझो एयरपोर्ट को नाम दिबा पटेल साहब का नहीं मिला तो फिर बोलेंगे एयरपोर्ट को नाम दिबा पटेल का नहीं मिला है तो फिर ये कांग्रेस या राष्ट्रवादी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। चलिए ये तो अच्छी बात है कि आपकी पार्टी की तरफ आएंगे। सर जैसे कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि अभी आने वाले समय में, आज नहीं कल दिसंबर के बाद जो अगला साल है उसके शुरुआत में नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो सकते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका किस तरह से चुनावों में रहने वाली, क्योंकि तैयारी एक तरह से राजनीतिक तौर पर शुरू हो चुकी है, और जैसा कि कांग्रेस ने कह दिया कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, नाना पटोले यहाँ पर आए थे, इस बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आप नई मुंबई के निरीक्षक हैं, यहाँ के क्या माहौल को आप देख रहे हैं? सर नई मुंबई का इलेक्शन प्रशासन बैठ के अभी एक साल होके चला गया, अभी तक नई मुंबई का इलेक्शन लगा नहीं, हर साल अभी लगने वाला है, कल लगने वाला, ऐसे ही चल रहा था। अभी जो न्यूज देखता हूँ उसमें अक्टूबर में इलेक्शन लगने का चांसेस, नहीं तो डायरेक्ट फेब्रुवरी में। लेकिन यहाँ पे जो नई मुंबई के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, नई मुंबई का इलेक्शन ये महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये अलायंस करके
इलेक्शन करने वाला है। बात ऐसी है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है राजनीति में, लेकिन हमारा राष्ट्रवादी के जो नेता है जितेंद्र आव्हाड साहब है, नवीन भाई देखते हैं, यार शशिकांत शिंदे सब प्रभारी है जो देखते हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े, अभी नए नए हमारे इसमें नामदेव भगत आए, प्रदेश के नलावड़े है, सब नेता लोग यहाँ पे है। लेकिन हम एक साथ टीम वर्क करने के बाद में हम अलायंस में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यहाँ पे 111 सीट है, उसमें कम ज्यादा इधर उधर एक दो चार सीट हो सकता है, लेकिन 100% महाविकास आघाड़ी यहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ पर अगर देखें तो लंबे समय से गणेश नाइक के नेतृत्व में ही नवी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता रही है। अब जब अभी माहौल बदल गया है, गणेश नाइक जी बीजेपी में चले गए हैं, आपको लगता है चूंकि सारे नगर सेवक एनसीपी के थे और उनके साथ चले गए हैं, तो कंडीशन किस तरह से, पावर कितना दिख रहा है नवी मुंबई में एनसीपी का? सर कैसे है, गणेश नाइक को पवार साहब ने बहुत कुछ दिया। मैं एक जमाने में भी गणेश नाइक के साथ में काम किया आदमी हूँ, बहुत कुछ दिया उनको, घर में चाहिए खासदार की, आमदार की, मंत्री पद, महापौर पद, इनके घर में कम से कम 15-20 नगर से हो। पवार साहब ने कभी ऐसा पलट के नहीं देखा कि नवी मुंबई जो करेगा वो गणेश नाइक करता है, इसको इंटरफेयर भी करके नहीं दिया। एक हाथी सत्ता गणेश नाइक साहब के हाथ में दी थी। बात ऐसे, शिवसेना ने भी वो टाइम पे बाला साहब ठाकरे ने भी गणेश नाइक को बहुत प्यार दिया था, उनको भी सब कुछ दिया था, मंत्री पद दिया था, महापौर पद दिया, पूरा नवी मुंबई शिवसेना ने भी गणेश नाइक को छोड़ा था, लेकिन ये किसी के साथ लॉयल नहीं रहे। उनको थोड़ा कम होने के बाद उन्हें राष्ट्रवादी ज्वाइन किया, पवार साहब का हाथ पकड़ा, पवार साहब ने जितना देना है उतना भर भर के इनको दे दिया। अरे इस खुद कबूल करते है, देश के राजनीति में किसने कुछ नहीं दिया उतना पवार साहब ने मुझे दिया है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ कि कौन सा विकास करने के लिए बीजेपी में गए? इनको तो 10 साल मिनिस्ट्री भी पवार साहब ने दी, खासदार की संजू नाइक को दी, आमदार की संदीप नाइक को दी, सागर नाइक महापौर था, तब आप विकास क्यों नहीं किया? विकास करने के हाथ में सब कुछ आपके हाथ में था, लेकिन ये बीजेपी के का कौन सा विकास करने वाले थे आज तक मुझे पता नहीं चला। ये बीजेपी में जो गए हमारे जो नगर सेवक थे टोटल 52, उसमें से 49 नगर सेवक उनके साथ चले गए। हकीकत में 3 नगर सेवक आज ये हमारे साथ में, उसमें अशोक गावड़े, सपना ताई गावड़े और दिलीप बोराडे, ये उनकी बीवी, ये हमारे साथ रहे। बीच में जब छोड़ने के टाइम 16-17 नगर हमारे साथ रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा प्रेशर कुछ करके, कुछ आर्थिक वृत्ति करके उनको दबा के रखा, फिर वो वापिस चले गए। 17 नगर से हमारे साथ में रह चुके थे, अभी 3 नगर से, लेकिन वो निष्ठावंत है, वो साहब के साथ रह चुके हैं अभी आज की डेट में। और जो गए वो नेता लोग गए, कार्यकर्ता आज भी राष्ट्रवादी के साथ में है। जैसा पवार साहब का सातारा जिले पे जितना प्यार है या प्रेम देते पूना को देते, उतना ही नवी मुंबई को पवार साहब प्रेम देते आए हैं। और रही बात ऐसी है कि जो यहाँ पे नवी मुंबई में जो माथाड़ी वर्ग है, सातारा, सांगली, सोलापुर से आया है या पूना से आया है, जो लोग है पवार साहब से बहुत प्यार करते हैं। लास्ट टाइम का विधानसभा का इलेक्शन हो गया, जो हमारे 80,000 यानी जो वोट थे, वो वोट आज भी हमारे साथ में कायम है, वो वोट इधर इधर किधर हिले नहीं है। अरे नवी मुंबई का इलेक्शन जो अलायंस में लड़ेंगे तो 100% ये नवी मुंबई महानगर पालिका में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने वाली है। आपने कहा कि गणेश नाइक गए तो उनके साथ कार्यकर्ता यहीं पर हैं, सिर्फ जो नेता थे वो गए हैं। अभी हाल ही में राजेश भोर, जो आपके यूसीपी यूथ विंग के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, वो चले गए, क्या वजह रही कि राजेश भोर को जाना पड़ा ऐसा? अभी बात ऐसी है, राजेश भोर को युवक का अध्यक्ष बनाने के टाइम मई था, हर गावड़े साथ हम दोनों ने उनको बनाया था। अभी कैसे रहते, हर साल में 2-3 साल में राजनीति का अध्यक्ष पद बदल दिया जाता है। आज मैं निरीक्षक हूँ, कल नहीं रह सकता हूँ, ये हकीकत है। अभी राजेश भोर को महाराष्ट्र लेवल पे लेने वाले थे, टिकट का भी उसका करने वाले थे, लेकिन उसको जिला अध्यक्ष पद रहना चाहिए था। अभी पार्टी ने ऊपर का जब डिसीजन लेते है, ये सिस्टम है, एक बार पार्टी ने डिसीजन लेने के बाद में वो डिसीजन पार्टी ने लिया, नवी मुंबई के युवक के कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी, और दूसरे दिन उसने वो रिजाइन दिया या बीजेपी में ज्वाइन हुआ। अभी वो किधर गया वो उसको लखलाभ होने दो। उसने कल मैं सुना कि मैं पहले दादा के साथ था, आशीर्वाद था, अभी वापस दादा के साथ गया। अच्छी बात, जिधर हो सुखी रहो, अच्छे से रहो और निष्ठे से काम करो। नहीं, उनका जो आरोप था एक बहुत संगीन था, ये कि राष्ट्रवादी में 4 खेमा एक साल के अंदर हो गया है, उसमें उन्होंने शशिकांत शिंदे साहब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, फिर अशोक गावड़े जी के बारे में उन्होंने बोला,
आपको लगता है एक निरीक्षक के तौर पर क्या वाकई राष्ट्रवादी कांग्रेस में इस तरह से चार खेमे बन गए हैं? नहीं, बात ऐसी है, उन्होंने शशिकांत शिंदे साहब पर आरोप लगाए, मैंने क्लिप में सुना है। बात ऐसी है, शशिकांत शिंदे हमारे नेता है, ये महाराष्ट्र के माजी मंत्री रह चुके हैं और माथाड़ी कामगार के नेता है। उनका सातारा से लेके हर जगह में अच्छा प्रभाव है, पुणे सातारा से लेके सब जगह पे, और माथाड़ी का प्रभाव है। शशिकांत शिंदे आज भी नवी मुंबई के प्रभारी है। और रही बात, उनने जो आरोप किया वो गलत है, अभी जिसमें दम रहता है वही उनका ही लड़का आगे आता है। यस, हकीकत में है। अभी मैं बोलने जाऊँ, गणेश नाइक का भी घराना सही है, गणेश नाइक, संजू नाइक, संदीप नाइक, सागर नाइक, ज्ञानेश्वर नाइक, अभी उनका संकल्प नाइक आने वाला है, तो वैभव नाइक, वैशाली नाइक, ये तो है, उन्होंने भी घरनशाही लाई है, लेकिन यहाँ पे घरनशाही का कुछ संबंध ही नहीं आता है। यहाँ पे क्या तेजस शिंदे को, शशिकांत शिंदे को इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन वो पार्टी बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। अभी सर, आने वाले टाइम में किस तरह की रणनीति रहेगी नई मुंबई में, सत्ता राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी के हाथ में रहे, किस तरह की आपकी तैयारी? सर, इस बारे में हमारा एक साल से शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी बहुत सारा मीटिंग हुआ, हमारे वार्ड वाइज बैठक भी हो गई तीनों की, यहाँ तक कि ऐरोली विधानसभा, बेलापुर विधानसभा में मीटिंग हो गई। तीनों पार्टी के अध्यक्ष जो है, जैसे अनिल कौशिक साहब है कांग्रेस के, हमारे राष्ट्रवादी के अशोक गावड़े साहब है, शिवसेना के जो विजय नाटा साहब, विजय चौगुले देखते हैं, द्वारकानाथ भोईर और विट्ठल मोरे साहब है, और मैं खुद उसमें, शशिकांत शिंदे साहब हमारे प्रभारी, जितेंद्र रावण साहब है, और संतोष शेट्टी, रमाकांत भद्रा, हम सब एक साथ में बैठ के सब तय करते रहते हैं। बहुत सारा हमारा मीटिंग हुआ है, बहुत सारे मीटिंग से मेलावे भी हुए, रैली हुए, और एक साथ में जुड़ के हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा टिकट वाटप हो, जब लास्ट स्टेज पे हो जाएगा, लेकिन बैलेंस रख के टिकट वाटप हो जाएगा। शिवसेना को कितना सीट चाहिए, कांग्रेस को कितना, वो हो ही जाएगा। उसमें कुछ जो बीजेपी वाले सोच रहेगा, इनकी आघाड़ी टूट जाएगी, लेकिन आघाड़ी टूटने वाली नहीं है। आखिरी दो सवाल सर, गणेशाई का दावा है कि चाहे महाविकास आघाड़ी या शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस, चाहे लाख कोशिश कर ले, सत्ता फिर से गणेशाई के ही नेतृत्व में आएगी और महापौर बीजेपी का बनेगा, आप इसे कितना, किस नजरिए से देख रहे हैं? सर, एक बात बोलो ना, सामने इलेक्शन आ रहा है, घोड़ा मैदान सामने है, जो निकाल लगने वाला है, एक तो अक्टूबर में हुआ तो अक्टूबर में निकाल लगने वाला है, सारी जनता नवंबर की देखने वाली है, या फरवरी में हो जाएगा तो फरवरी में भी देखने वाली है, लेकिन यहाँ पे विजय ये महाविकास आघाड़ी का होगा। लोग कंटाल गए इनका पार्टी के, शुरू से इन्होंने पहला कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, अभी बीजेपी, तो लोगों को भी समझ में आया कि नाइक कंपनी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। अभी स्थिरता पाने के लिए महाविकास आघाड़ी अच्छी है, जो महाराष्ट्र में अभी दो साल में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है, इसका रिजल्ट है, जिसका मोदी साहब ने तारीफ किया है। तो आज की डेट में नवी मुंबई वाले को भी महाविकास आघाड़ी चाहिए, और महाविकास आघाड़ी 100%, यानी मेरे ख्याल से कम 65-70 सीट महाविकास आघाड़ी की चुन के आएगी। क्या मुद्दे होंगे प्रमुख तौर पर, क्या मुख्य एजेंडा होगा जो बीजेपी के साथ महाविकास आघाड़ी लेके सामने उतरेगी मैदान में? पहली बात ऐसी है सर, नवी मुंबई जो शहर बनाया ये आदरणीय शरदचंद्र पवार साहब ने बनाया है, पहली बात। यहाँ पे जो सिडको लाई वो पवार साहब ने लाई, यहाँ पे जो MIDC आई ये पवार साहब के वजह से आई, यहाँ पे जो APMC मार्केट आया ये पवार साहब के थ्रू आया, यहाँ पे जो माथाड़ी लोगों को घर दिए गए ये पवार साहब ने दिए, यहाँ पे जो 12.5 का जमीन का वाटप किया ये पवार साहब ने ही किया, यहाँ पे जो नवी मुंबई महानगर पालिका ऑफिस बनाया ये भी पवार साहब के वजह से हुआ। और रही बात, जो सिडको ने जमीन एक्वायर किया था, जो 95 विलेजेस है यहाँ नवी मुंबई में, पूरन पनवे से लेके, इसका जो पूरा नक्शा बदलाया और नक्शा जो अच्छे से तैयार किया वो सिडको ने किया है। यस, एक खाली पीली खुद को शिल्पकार, चमत्कार, बीमत्कार बोलते रहते हैं, हकीकत में ये जो पूरा प्लानिंग है ये सिडको का प्लानिंग है, और इसका पूरा दूरदृष्टि जो पवार साहब की है, और पवार साहब के वजह से नवी मुंबई तैयार हो गए। आज हमारा एजेंडा ये रहेगा इलेक्शन में, ये लोगों को जो मेडिसिन, मेडिक्लेम, यानी आरोग्य, अच्छे से आरोग्य देना चाहिए, और पानी का जो सवाल है, जो पानी RR पाटिल ये राज्य के ग्राम विकास मंत्री थे, उन्होंने मोरबा धरण इनको दिया, आभा ने बोला, तब ये पानी सबको मिल रहा है। पानी की भी समस्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वो टाइम पे
दूर से रख के छुड़ाई है। आज के डेट में पानी का तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आगे में जो डंपिंग ग्राउंड का सब्जेक्ट है यहाँ पे वो यहाँ से निकालना चाहिए। सेकंडिंग बात है यहाँ पे जो प्रकल्प से नेते दिवा पटेल साहब का यहाँ पे बड़ा स्मारक होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं नवीन भाई के, जैसे प्रकल्प जो गर्जे पोटी बनाए हुए घर हैं उनको नियमित करने की मांग चल रही है, जर्जर इमारतों को लेकर मांग चल रही है। इसमें आपको लगता है गणेश नाइक साहब कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और अब जो आपकी सरकार है वो निश्चित तौर पर इसके समाधान के लिए चुनाव से पहले कोशिश? सर इसमें फेल गणेश नाइक साहब भी हो गए, रामशरण ठाकुर साहब भी फेल हो गए, ऑलरेडी दोनों नवी मुंबई और पनीर उरन की बीजेपी फेल हो गई है। अभी यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए? जो गर्जे पोटी जो बांधकाम किया है घर का वो घर अधिकृत करना चाहिए, एक लोगों की प्रकल्प से लोगों की मांग है। अभी ये मांग के लिए कभी रामशेठ ठाकुर गणेश नाइक रस्ते पे उतरे नहीं, लेकिन हमारा हम वो एजेंडा लेके चल रहे। जो 200 मीटर का हद है वो 500 मीटर बढ़ाना चाहिए। जो अभी नवी मुंबई का मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रहे होगा लेकिन 12.5% का प्लॉट का वाटअप है, अभी पनवेल उरन का प्लॉट का वाटअप बाकी है वो होना चाहिए। जे एन पी टी 12.5% जो जमीन आज तक लोगों को मिला नहीं, लेकिन इसके लिए लोग रस्ते पे नहीं आ रहे लेकिन राजनीति करने के लिए रस्ते पे आ रहे। एक आखिरी सवाल सर आपसे निजी तौर पे जुड़ा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि जब से प्रशांत पाटिल नवीनबई के निरीक्षक बनाए गए हैं और जब से गणेश नाइक ने एनसीपी छोड़ी है, सबसे ज्यादा अगर कोई दबंग अगर कोई लीडर अभी यहाँ पर है तो प्रशांत पाटिल साहब हैं और वो अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और इसीलिए जो दूसरे लीडर हैं वो इस वक्त हाशिए पे चल रहे हैं। सर मैं आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का भक्त हूँ, मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष बढ़ाना है, मुझे इतना ही मालूम है पवार साहब को जिसने जिसने दुख दिया है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। जब तुमको भर भर के दिया था तो तुम रहे नहीं, और पवार साहब को मैं ऐसे देने के बावजूद भी आप छोड़ के गए, अरे दुख जो दिया है वो दुख मुझे पसंद नहीं है। अरे इसके लिए मुझे यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाना है, मैं दबंगगिरी करता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा एक ही एजेंडा है जो पवार साहब का झंडा राष्ट्रवादी का झंडा मैं कंधे पे लिया है वो मुझे झंडा यहाँ पे लहराता हुआ दिखाना चाहिए, यही मेरी तमन्ना है। वो झंडा मुझे नीचे नहीं रखना है हकीकत में। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, आपने ये भी बताया कि किस तरह से नवी मुंबई महानगर पालिका और उरन पनवेल महानगर पालिका में महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और खासकर नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी की ही सत्ता होगी, महाविकास आघाड़ी का ही महापौर बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपको रूबरू कराएंगे, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। लेकिन नवी मुंबई मुंबई और महाराष्ट्र सहित देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।